नमस्कार, आप सबको हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे से रूबरू पर चर्चा न करेंगे, या एक छोटा सा केस है उसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अरे केस क्या है? केस ये मेरा स्वयं का ही है, अपना ही केस है, तो उसी पर चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा चर्चा में आगे बढ़ने से पहले भाई, तनि आप सबसे निवेदन है कि जो लोग चैनलवा के सब्सक्राइब न करे हैं, तनि चैनल के सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, अब इसको ये करने में तो आप लोगों को तो कुछ खर्चा उर्चा तो लगता नहीं है, लेकिन हमारा थोड़ा और उत्साह आता है कि हाँ, हमको सपोर्ट मिल रहा है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कॉमेंट करिए। ये सब करने में तनि कंजूसी मत करिए, तनि करिए अच्छे से। तो चलिए अब तनिक केस पर विचार किया जाए। देखिए, केस है कि मैंने इधर ये गर्मी में, गर्मिया में ये जो जांघे के ऊपर जो उरु संधि होता है ना, तो दूसरे आसपास में दोनों साइडवा में खूब खुजलाता था। अब विशेष करके रात में, अतिया में तो पसीना उसेना हो या तो गर्मी में, तो वो खुजलाने लगता था। तो बड़ यही था, बड़ धरिए 2 महीना के गर्मियाँ पड़ रहा है, तबे से गर्मिया में जड़ा बुड़ा में ना तंग कर रहा है, तो गर्मिया में तंग करता था। अब हर समय ना तो ऐसे ही दवाई वाई खा लेते थे थोड़ा बहुत इधर उधर करके, वो इतना ध्यान वान न देते थे। हर समय तो कुछ इससे तकलीफ वकलीफ तो होता नहीं, ध्यान वान भी नहीं जाता था, तो चल रहा था। दवाई वाई खाए, कमा नहीं कमा, विशेष इतना ये नहीं रहता था। तो हुआ कि एक दिन अब इसको हम सोचे कि भाई अब इसको दवा खाते हैं, दवा खाते हैं, तभी देखते हैं क्या दवा खाया जाए। तो हमने मैने इस सब पर मैने ये तब देखा तो अपने आप में भी लग रहा था कि फाइबुलस है तो ये है तो वो है, बड़ी हो रहा था। तो हमने सोचा कि देखिए, एक्चुअली हमको होता क्या है, करते क्या हैं। जब हमको तो होता था ऐसा कि कबो कबो देखिए नहीं खुजला रहा है ना, तो अकेले उकेले होते थे ना, तो हम लगता था कि यार खुजलने में कितना मजा आता है, कितना मजा आता है, तनिक खुजला दे, तो खुजला दीजिए देते थे, ऐसे भी हो जाता था। अब कबो कबो होता था कि मैंने थोड़ा सा खुजली आता भी था, तो आता था तो खुजलाते थे, तो अब खुजलाते थे तो लगता है कि खुजलाते ही रहें, खुजलाते रहें, इसको आनंद आता था इसलिए लगता था ऐसा। तो ये होता था। और एक चीज और था कि जब खुजलाते थे ना, तो ये चीज के जैसे कि ध्यान रखते थे कि मैंने इतना ही खुजला रहे हैं, मैंने इस ढंग से खुजला रहे हैं कि मैंने ये छील उल ना जाए, वो जो जगह है खुजलाते खुजलाते थोड़ा सा नव उल लग करके छील ना जाए, लगता था। तो इस ढंग से उसको खुजलाते थे कि खुजलाने से मैंने छील उल ना जाए, अब आनंद आता था, तरता था, खुजलाते ही रहे। यही था मोटा मोटी सिम्टम्स। और इसी के आधार पर दवाई जैसे कि खाए, तो भाई अब देखिए यही सिम्टम्स पर दवाई खाए, तो अब इसको सोचिए कि कौन सा है ये मेन है। ऐसे तो और सब सिम्टम था, अरे जैसे फरेबुलस है, इतना दिन से खुजला रहा था, ध्यान उधर नहीं जाता था, ये सब भी था। और कुछ कहिए कि हाँ, जितना देर खुजलाता था तो लगता था कि खुजलाते ही रहे, इसको छोड़े ही ना। तो इस ढंग का और भी सिम्टम्स था। तो अब देखिए, हमने इतना पर एक जैसे कि दवा खाया और उसी दवा से मैंने ठीक है, बहुत ठीक है, अब उधर बहुत कम खुजलाता उजलाता है। तो अब देखते हैं क्या इसको दवा से कौन सा दिया गया। तो देखिए, इसमें हमने सबसे पहले सोचा कि भाई खुजलाते हैं कि खुजलाते हैं तो हमको आनंद आता है, खूब अच्छा लगता है, आनंद आते हैं, लग रहा है खुजलाने में, खूब अच्छा लग रहा है, कितना मजा, तो इसलिए खुजला रहे हैं। तो ये क्या हुआ, इसको हमने लिया।
एमूजमेंट, एमूजमेंट डिजायर फॉर एमूजमेंट लगता था कि आप नहीं हो, यदि खुजल होता था तो ध्यान धर गया तो लगता था खुजला के देखते हैं कितना अच्छा लगता है, तो एम्यूजमेंट डिजायर फॉर एक रूबरिक लिया, आनंद आ रहा है खुजलाने में, उसके लिए इच्छा हो रही है एम्यूजमेंट करने के लिए, तो एम्यूजमेंट डिजायर फॉर लिए। आप दूसरा रूबरिक लिए फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड, फियर ऑफ बीइंग, उसको लगता था कि माने इस खुजलाते खुजलाते इस ढंग से न खुजला दें कि छील उल जाए तो आउ सार के आउ तकलीफ हो जाए, आउ तकलीफ न हो जाए, छिल जाएगा तो और नुकसान हो जाएगा, छिल जाएगा तो खुजलाते खुजलाते नौ लग कर करके खुजलाते में तो आनंद आ रहा है उस टाइम में, अब बाद में जो है से कि छिल जाएगा तो वह तकलीफ होगा, छिला जाएगा तो कुछ नुकसान हो जा सकता है, घाव हो जा सकता है, तो इस ढंग के बात होता था क्या, और जैसे कि छिल के नुकसान नुकसान ना हो जाए, तो इसके आधार पर हमने फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड लिया। और एक रूब्रिक लिया केयरफुलनेस, सावधानी बरत रहे थे कि उतना ही खुजलाएं, इस ढंग से खुजलाएं कि इसमें जो है से कि कोई नुकसान ना हो, तो खुजलाने के टाइम में क्या कर रहे थे, सावधानी बरत रहे थे, सतर्कता बरत रहे थे, माने ज्यादा खुजला तो रहे थे, केयरफुलनेस देखिए क्या है, केयरफुलनेस है ये, खुजला तो रहे हैं लेकिन इस ढंग से खुजला रहे हैं कि उसको माने नौ लग करके कुछ नुकसान ना हो जाए, कुछ हर्जा ना हो जाए, तो सावधानी बरत रहे हैं वहां, सतर्कता बरत रहे हैं, कहिए जो कहिए उस, इसलिए उसको हल्के हल्के से खुजला रहे हैं, तो ये हो गया केयरफुलनेस। अब इसी के आधार पर, इन्हीं तीन रूब्रिकों के आधार पर कॉमन जो दवा आया वो हायोसाइमस, तो हायोसाइमस हमने लिया, हायोसाइमस थ्री लिया, हायोसाइमस थ्री खाए और उसी से जैसे कि खुजली जो है से अच्छा खासा कम है, यही है, यही है आज के केस, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, विदा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।